everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, मेरा गला थोड़ा सा खराब है बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी ये वाली वीडियो शेयर करने के लिए. ये कोई व्लॉग नहीं है. मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब मेरे को डेढ़ या दो महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आदिवासी हेयर ऑयल. वैसे इसका पूरा नाम है आदिवासी नीलगिरी हेयर ऑयल, ठीक है. उस पे आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार भी दिया है, मुझे ढेर सारी चीजें भी बोली है. सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है. जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब मेरे पास वो हेयर ऑयल आया ही आया था, मैंने उसको यूज नहीं किया था ना, मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाई हूँ उस हेयर ऑयल के बारे में. तो मैंने सोचा चलो अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ. ये था वो हेयर ऑयल, तो इसको मैंने इतना यूज किया है और ये उसके साथ आया था फ्री. मतलब मैंने 499 में ये दोनों मंगवाए थे, ठीक है. मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला पर मैं बता रही हूँ इसके रिजल्ट है. मैंने खुद काफी सर्च किया, गूगल पे देखा, हर जगह देखा, ये हेयर ऑयल के रिजल्ट है. ऐसा नहीं है कि इनके रिजल्ट नहीं है, पर मार्केट में इतने डुप्लीकेट हेयर ऑयल चल रहे हैं कि इस हेयर ऑयल का नाम खराब कर रखा है, ठीक है. मुझे नहीं पता ये मेरे पास फ्रॉड में आया कैसे आया है. जो ये मेरे पास है उसका कोई रिजल्ट नहीं है. मैंने लगाए थे, अभी भी मेरे बाल वैसे ही है. मेरे बाल ना टूटना कम हुए ना झड़ना कम हुए, मतलब कुछ भी ऐसा मेरे को रिजल्ट नहीं मिला अपने बालों में. मैंने इसको सच बता रही हूँ हफ्ते में 3 बार यूज किया है और मुझे 2 से 2.5 महीने हो गए इसे यूज करते करते. 2 महीने हो गए होंगे या 1.5 महीना हो गया होगा, जो भी है. तो मैं इसको काफी यूज कर रही हूँ, कभी इसमें से ले लेती हूँ कभी इसमें से ले लेती हूँ. इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है. मुझे लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट किए हैं जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी. जैसा कि मुझे राहुल जी ने लिखा है, ये ऑयल मुझे ऑयल जैसा नहीं लग रहा है, इसको हाथ में लो तो पानी जैसा लग रहा है. आपका भी ऐसा ही क्या है? ऐसा ही है क्या? प्लीज बताओ. आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो इसमें स्मेल भी है. ये देखो, ये देख रहे हो, एक बॉटल का जो हेयर ऑयल है वो रेड है, ठीक है, देख सकते हो. देखो फ्रेग्रेंस भी अच्छी है इसकी, ठीक है. पर मैं अभी अपने बालों में यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कल ही हेयर वॉश किया है, ठीक है. पर ये पानी जैसा नहीं है, मेरे को ये पानी जैसा इतना नहीं दिख रहा है. पर ये वाला जो है सेकेंड वाली शीशी, बहुत शोर आ रहा है ना. सेकेंड वाला ये है, सेकेंड वाला दिस वन, इसका रेड कलर नहीं है. ये देखो ये पानी जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा पर मेरे को ये ज्यादा रियल और जेन्युइन लगा. ये दूसरे वाला, रेड वाला नहीं, ये दूसरी वाली शीशी मेरे को रियल लगी है, सच बता रही हूँ. बाकी उसके बाद किसी ने बोला है मैंने 399 में लिया है 130 ml. आई डोंट नो, मैंने तो 500 रुपए में लिया है, ठीक है. और मेरे को काफी सारे कमेंट आए हैं, प्लीज ये रिफंड कैसे होगा. रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सचेंज का भी कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने जिस वेबसाइट से मंगाई थी वो मैंने इंस्टा के अंदर जाके देखा था, वहां पे बार बार शो कर रहा था. दैट्स वाई मैंने इसको मंगाया कि मुझे बार बार शो कर रहा था, मैं बार बार उसकी तरफ इंट्रैक्ट, वो क्या कहते हैं, मतलब ऐसा हो रहा था कि यार ये हेयर ऑयल से मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, मेरे बाल लंबे हो जाएंगे. और मैं ना, पता है, मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, मुझे ना शुरू से लंबे बालों का बहुत ज्यादा शौक है. वो मेरे हेयर ऑयल बढ़ते ही है क्योंकि मैं काफी सारे ट्रीटमेंट करा लेती हूँ. लेकिन गाइज मेरा ड्रीम है कि मेरे इतने लंबे लंबे बाल हो, सच में. तब मैंने इस हेयर ऑयल को मंगाया था. कोई मुझे कह रहा है ये हेयर ऑयल आपके पास फ्रॉड आया है. ये हेयर ऑयल मैंने काफी, देखो एक बात बताऊं, न्यूज में भी इस हेयर ऑयल के बारे में चर्चाएं आई हैं, हर जगह आई है, तो फेक नहीं हो सकता ये. हाँ ये हो सकता है कि मेरे पास फेक आया हो, ये मुझे आइडिया नहीं है. सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है. ऑयल के साइड इफेक्ट भी है. 2 टाइम लगाने से
गार्डन पे घमोरिया का आना शुरू, मतलब गार्डन मीन्स दिस वन, इन पे घमोरिया भी आ रही हैं, ये ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। रिजल्ट की वीडियो प्लीज, ये रिजल्ट की वीडियो है, ये आवाज काफी ज्यादा आ रही है, मैं सच में काफी परेशान हो गई हूँ। ये हमारी गलियों के मकान नहीं बन रहे हैं, बस आज ही इन लोगों को सारी आवाजें कर दी हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ, इतने टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ये रिव्यू आप लोगों को देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही तो लाओ मैं कैमरा एंगल थोड़ा आगे कर लेती हूँ, आप ठीक है। तो मेरे को किसी लड़की ने लिखा है, डोंट यूज दिस ऑयल, मेरे हेयर बहुत ज्यादा फॉइल होने लगे, ठीक है, इस ऑयल को यूज करने के बाद इवन टकली वाली हालत हो गई है, ठीक है। किसी ने मुझे ये लिखा है, पहली बात ये ऑयल 500 का नहीं आता है, ठीक है, ये ऑयल 1500 का है, आपने जो ऑयल लिया है वो गलत ऑयल है। आधा लीटर का आता है 100 ml, 150 ml का आता ही नहीं है, ये आपको ऑयल फायदा नहीं करेगा। ये जो मेरे ऑयल है उस पे देखो सारी चीजें लिखी है, 125 ml है, 150 ml नहीं है ये, पहली बात 125 ml है, और इसका मैन्युफैक्चर हुआ है सितंबर 2023 में, ये देखो ये इसकी फुल शीशी है। यार मुझे नहीं पता ये ऑयल रियल है या डुप्लीकेट है, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में आप लोगों को इतना रिव्यू नहीं दे पा रही हूँ, पर मैंने इसको यूज किया, इसका मुझे कोई भी फायदा मेरे हेयर में मुझे नहीं दिखा। मैं एक और चीज कह रही हूँ गाइज, देखो मैं नहीं जानती मेरे पास जो आया वो फ्रॉड है या रियल है, पर मैंने सुना है कि इस हेयर ऑयल के रिजल्ट है 3 मंथ इसको लगाना पड़ता है और फिर इसका अच्छा रिजल्ट होता है, पर गाइज अलग 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 वेबसाइट्स में आ रहा है, क्या पता फ्रॉड हो रियल हो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ, पर मेरे हेयर ऑयल का कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, सच बता रही हूँ मुझे नहीं मिला। मैंने तो दोबारा से आ गई हूँ पैराशूट पे, जो वो वाला ऑयल नहीं होता जो नानी नानी और दादी के नुस्खे होते हैं, वो गोले का तेल उसमें कपूर डालो और लगाओ, उससे ना झड़ना बंद हो जाते हैं। गोले के तेल में कपूर डाल के लगाओगे ना आपके बाल कभी झड़ेंगे नहीं, सच बता रही हूँ। बाकी हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगी। और थैंक यू सो मच, बाकी आप लोग परेशान ना हो, अपने पैसे ना वेस्ट करें, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मत मंगाओ, अगर आपको पूरा भरोसा है तो मंगा लो, लेकिन जो मेरे पास है उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि ये फ्रॉड है या रियल है। ओके बाय।